नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर विनाशकारी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर आ रही है। बिपरजॉय तूफान से मुंबई और गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर दोस्तों हवाएं चल सकती है। जी हाँ साथियों, बता दें मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान बेकाबू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। गुजरात और महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में IMD का हाई अलर्ट जारी हो गया है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक हो रहा है। पहले ये पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों बता दें कि चक्रवाती तूफान की दिशा बदल गई है। तूफान पोरबंदर से फिलहाल 400 किलोमीटर दूर है और इसके दोस्तों बता दें कि मात्र दो दिन लगेंगे गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने में। दोस्तों बता दें कि इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तूफान के रूट बदलने के बाद SDRF की टीम ने गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान में भी आंधी बारिश होने की आशंका है इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण। तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्रालय, NDRF और सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों मीटिंग ले रहे हैं, यहां पर गृह मंत्रालय, NDRF और जो सेना के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे संभावित खतरे से निपटने के लिए। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बता दें दिल्ली में राज्य और यूनियन टेरिटोरियल के आपदा प्रबंधक विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर जो मुख्य रूप से हैं, शहर हैं चाहे इलाके हैं, वो जोधपुर, कच्छ, राजकोट, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद, ये बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। साथ ही में दोस्तों बता दें मांडवी भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बता दें कि अगले दो दिनों के दौरान गुजरात जैको पोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी से जो तूफान है वो गुजरने वाला है। पोरबंदर के बंदरगाह पर नावों को बांध दिया गया है, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।